नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा 10% आरक्षण। 6 लाख से कम आय वाले परिवार आरक्षण के दायरे में। राज्य सरकार 1 मई को जारी करेगी नोटिफिकेशन। एनईईटी के आयोजन पर केंद्र सरकार को आपत्ति। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। 1 मई की परीक्षा 24 जुलाई को कराने की है मांग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने एम्स पहुंचे राहुल गांधी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोमवार को एम्स लाई गई थी सुषमा। हेलीकॉप्टर विवाद में कूदे सीएम अरविंद केजरीवाल। मोदी सरकार को दी चुनौती। कहा, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करें, मैं होता तो आधे घंटे में गिरफ्तार करवा देते। नीतीश के समर्थन में उतरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, राहुल गांधी नहीं नीतीश कुमार हो सकते हैं 2019 में पीएम पद के उम्मीदवार। कारोबारी विजय माल्या ने एक अंग्रेजी अखबार को कहा, यूके नहीं छोड़ूंगा और मेरी गिरफ्तारी से पैसा नहीं मिलने वाला। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।